सबसे सटीक, सबसे तेज और सबसे विश्वसनीय नतीजे एबीपी गंगा लगातार आपको बता रहा है और पल पल बदलती टैली के जरिए भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पंचायत चुनावों के नतीजे आखिर क्या कह रहे हैं और क्या ओवरऑल अपडेट है, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। और स्पीच अपडेट ये है, बरेली जिला पंचायत मतगणना पर बड़ा अपडेट मिल रहा है। बरेली में सपा और भाजपा में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, यानी दोनों ही जो पार्टी है उनके प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। बरेली में कुल 60 सीटों में सपा ने 20 सीटों पर बढ़त बनाई है, तो बरेली में भाजपा ने 18 और बसपा ने 10 सीटों पर बढ़त बना ली है, यानी कांटे की टक्कर भाजपा और समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रही है। 17 सीटों पर अन्य ने बढ़त बनाई है, यानी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बरेली जिला पंचायत की बात करें तो यहाँ पर सपा और भाजपा में कांटे की टक्कर है। तो अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, कांटे की टक्कर है, किन किन वार्ड्स में ये लड़ाई ज्यादा तगड़ी है, ज्यादा कड़ी है, कहाँ पर फाइट नेक टू नेक है? देखिए, आपको बताऊं कि बरेली भाजपा का घर कहा जाता है, और अगर हम यहाँ पे 9 विधानसभा की बात करें तो 9 विधानसभा है और इसमें सभी जगह भाजपा के विधायक हैं। दो लोकसभा है, दोनों भाजपा के सांसद हैं, उसके बरेली में मेयर भी भाजपा का ही है। उसके बावजूद अब जो स्थिति है यहाँ पर, अगर हम जिला पंचायत तीसरी पंचायत चुनाव की बात करें तो इसमें जिला पंचायत सदस्यों के जो चुनाव है उसमें कांटे की टक्कर है। अगर हम बात करें इस वक्त भाजपा की, तो भाजपा 18 सीटों पर आगे चल रही है, बढ़त बनाई हुई है, तो वहीं समाजवादी पार्टी 20 सीटों पर है, यानी कि समाजवादी पार्टी अभी आगे चल रही है, बसपा 10 सीटों पर और कांग्रेस 5 पे बाकी आदर्श है। तो स्थिति इस तरीके की है। और इसमें जो अगर हम देखें नवाबगंज का इलाका है, विधि का इलाका है, इन जगहों पर समाजवादी पार्टी का जलवा बढ़ता जा रहा है, कायम है वहां पर। तो इस तरीके की आंवला की बात करें तो आंवला में भाजपा अच्छी परफॉर्मेंस करती दिखाई दे रही है। तो इस तरीके की स्थितियां हैं फिलहाल, तो आगे आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है, क्योंकि अभी काउंटिंग कुछ देर पहले ही। बिल्कुल शुक्रिया अनूप, बनाए रखिएगा नजरें, अपडेट्स जो भी आएंगे आपके जरिए दर्शकों को बताते रहेंगे। तो बरेली में भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर है और कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है। देखिए, लगातार अहम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बरेली की अगर बात करें तो बरेली जिला पंचायत की जो सीटें हैं उस पर समाजवादी पार्टी और भाजपा में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि सिर्फ 2 सीटों का फासला है। एक तरफ जहां कुल 60 सीटों में से 20 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई है, तो 18 सीटों में भी भाजपा ने बढ़त बनाई है। उस बीच श्रावस्ती से भी रुझान सामने आ रहे हैं, ये हम आपको बता दें। 17 वार्ड से भाजपा के ददन मिश्रा जो है वो पीछे चल रहे हैं। तो श्रावस्ती से बड़ा अपडेट है, आपको बता दें कि यहां पर भी जो मुकाबला है वो दिलचस्प हो गया है। जिला पंचायत की मतगणना बेहद रोचक हो गई है श्रावस्ती में। श्रावस्ती के वार्ड 17 से भाजपा के ददन मिश्रा तीसरे नंबर पर खिसक गए, जबकि रुझान में पहले मामला आगे चल रहा था। पूर्व मंत्री ददन मिश्रा 1000 वोट से पीछे चल रहे हैं इस वक्त। तो पूरी तरीके से रुझानों में बदलाव हो रहा है, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अभी तक जो भी चीजें आ रही हैं ये रुझान है, रुझान लगातार बदल रहे हैं। रुझान को परिणाम में बदलने के लिए आज देर रात या सुबह तक का इंतजार करना पड़ सकता है। अम्मा रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अम्मा रिजवी, ये जिस तरीके से रुझानों में फेरबदल हो रहा है, ऐसे में हर पार्टी का जो प्रत्याशी है उसकी सांसें चढ़ी हुई होंगी। जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि यहाँ पर काफी सिल्वर रिजल्ट आ रहा है, जिससे प्रत्याशी पूरी तरीके से परेशान है। सुबह 8 बजे की काउंटिंग रात 8 बजे की खत्म हो रही है ग्राम प्रधान की, इसी तरह जिला पंचायत का भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। बिल्कुल शुक्रिया अमर जानकारी देने के लिए। तो बसपा प्रत्याशी रमेश कुमार से पीछे चल रहे हैं, तीसरे नंबर पर आ गए हैं, और श्रावस्ती जिला पंचायत की जो मतगणना है वो बेहद रोचक हो चुकी है। भाजपा के ददन मिश्रा तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं और बीएसपी के प्रत्याशी से भी नीचे आ गए हैं। तो पूर्व मंत्री रहे ददन मिश्रा एक बड़ा सियासी चेहरा, लेकिन अब हालत यह है कि जिला पंचायत के चुनाव में 1000 वोटों से पीछे चल रहे हैं और तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। तो रुझान लगातार बदल रहे हैं, कभी किसी के पक्ष में, कभी किसी के पक्ष में। दोपहर तक समाजवादी पार्टी आगे चल रही थी, लेकिन अब स्थिति यह है कि भाजपा आगे है और समाजवादी पार्टी दोगुने अंतर से पीछे चल रही है। और श्रावस्ती में भी यही हो रहा है, जहां पर पूर्व मंत्री ददन मिश्रा 1000 वोट से पीछे चल रहे हैं और तीसरे नंबर पर हैं।
दूसरे का भी मामला नहीं रहा, तीसरे नंबर पर पहुंच गए। बसपा प्रत्याशी रवेश कुमार से पीछे चल रहे ददन मिश्रा और श्रावस्ती में भी बरेली की तरह जो पंचायत की मतगणना है वो दिलचस्प हो चुकी है, कांटे की टक्कर में तब्दील हो चुकी है और लगभग यही स्थिति है कि हर प्रत्याशी इस वक्त परेशान है क्योंकि बदलते घंटों के साथ, बदलते वक्त के साथ रुझान बदल रहे हैं और उन्हीं बदलते रुझानों में बीजेपी अब तक 113 में आगे है, समाजवादी 55 वार्ड में आगे है, बसपा 9 पर है और कांग्रेस 16 पर है और श्रावस्ती में पूर्व मंत्री जो ददन मिश्रा हैं वो इस वक्त तीसरे नंबर पर खिसक गए। बिल्कुल, तो लगातार पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो मतगणना है और जो रुझान सामने आ रहे हैं वो किस तरीके से बदल रहे हैं, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं जो ग्राउंड से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। नीतीश कुमार वाराणसी से हमारे साथ हैं, मोहम्मद मोइन प्रयागराज से हमारे साथ हैं जो हमें पल पल का अपडेट दे रहे हैं और साथ ही साथ विकास पुरवार भी हमारे साथ हैं हमीरपुर से जो बता रहे हैं किस तरीके के हालात हैं। मोहम्मद मोइन प्रयागराज की जरा आप स्थिति बताइए, वहां का जरा आप बताइए किस तरीके की वहां से अपडेट मिल रही है और रुझान अभी क्या कह रहे हैं। प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर देखिए, अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ 23 सेंटर्स पर वोटों की गिनती चल रही है, लगभग 12 घंटे का वक्त बीत चुका है और आपको बता दें कि अब तक प्रयागराज में 23 विकास खंड है, उनमें से 122 ग्राम प्रधानों का रिजल्ट जारी हो चुका है। इसके साथ साथ ग्राम पंचायत सदस्य के 72 और BDC के 88 पदों का रिजल्ट जारी हो चुका है। जिला पंचायत की जो 84 सीटें हैं अभी किसी में भी जो है वो काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, अभी कोई रुझान भी सामने नहीं आया है और कोई नतीजा भी सामने नहीं आया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो ज्यादातर रिजल्ट आ रहे हैं उन्हें बेहद नजदीकी मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी तरह से सोराओं विकास खंड का एक मामला है, करौंदी गांव है, वहां दो उम्मीदवारों को बराबर मत मिले, यानी एक साथ जो है वो सबसे टॉप पर जो थे दो बराबर लोगों को बराबर मत मिले, 170 वोट मिले और बाद में टॉस के सहारे जो है एक उम्मीदवार भुवर लाल जो थे उनको जो है वो विजेता घोषित किया गया। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इलाके का चुनाव है, छोटी जगह का चुनाव होता है तो बेहद नजदीकी मुकाबला देखने को मिल रहा है और ये तो टॉस से फैसला हुआ जिस जगह की मैं जिक्र कर रहा था। तमाम जगहों पर ऐसा हुआ जहां 5, 10 या 15, 20 वोटों से हार जीत हुई है, तो कई मुकाबले दिलचस्प देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो सबकी निगाहें हैं वो जिला पंचायत की जो सीटें हैं 84 सीटें उस पर टिकी हुई हैं, उस पर जो सियासी पार्टियां हैं उनकी भी निगाहें हैं, लेकिन अभी तक कहीं से कोई रुझान सामने नहीं आया है। उम्मीद ये की जा रही है कि कल दोपहर तक ही तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी और जो जिला पंचायत की सीटें हैं उन पर कल दोपहर तक ही काउंटिंग पूरी हो पाएगी। बिल्कुल, लेकिन सांसें थमी हुई हैं और जैसा कि आप बता रहे हैं कि जब मामला टाई हो जाए और टॉस करनी पड़ जाए तो समझा जा सकता है कि कितना दिलचस्प ये चुनाव है। जो लोग देख रहे हैं, जो परिणाम जानना चाहते हैं, प्रत्याशियों के लिए तो भारी मुसीबत है, पर उनकी धड़कनें बढ़ रही हैं, घट रही हैं, मुश्किलों में है वो, पसीने छूट रहे हैं। विकास पुरवार हमारे साथ जुड़ गए हमीरपुर से। विकास, हमीरपुर की क्या स्थिति है, किस तरीके के रुझान है और क्या कुछ इस वक्त मतगणना केंद्र पर चल रहा है? देखिए, अगर यहाँ की बात की जाए तो सबसे ज्यादा यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी बढ़त में चल रहे हैं। अगर बात की जाए तो बसपा के दो प्रत्याशी हैं, एक माया दीक्षित हैं और एक अंजू पाल जो कि झलोकर सीट से हैं, दोनों लगातार बढ़त में चल रहे हैं और ये लगातार भाजपा के प्रत्याशियों को पीछे किए हुए हैं। वहीं अगर भाजपा के प्रत्याशियों की बात की जाए तो विजय पांडे जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष हैं यहाँ के, वो लगातार आगे चल रहे हैं और साथ ही यहाँ पर जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो भी लगातार आगे चल रही हैं सैदपुर से। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी और सपा की जो सीटें हैं वो बराबर पे हैं, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी सबसे ज़्यादा बढ़त में दिख रहे हैं। बिल्कुल, और ये स्थितियां हैं कि यहाँ पर निर्दलीयों ने अपनी लीड बनाकर रखी है। बिल्कुल, और लगातार जो अपडेट है वो हम बता रहे हैं। वाराणसी का भी रुख कर लेते हैं। नीतीश, यहाँ पर कुछ रुझानों में तब्दीली आई है या भी उसी तरीके के हालात बने हुए हैं? रुझानों में तब्दीली आई है। बसंतपुर गांव में छोटे भाई ने बड़े भाई को प्रधान पद के लिए पटखनी दे दी है, छोटे भाई ने बड़े भाई को हरा दिया
और इसके बाद ही अगर बात करें तो कई बीडीसी प्रत्याशियों के भी रिजल्ट यहाँ पे आ गए हैं, बीडीसी प्रत्याशी यहाँ पर विजयी हुए हैं। लेकिन अभी तक जो रुझानों की स्थिति अगर जिला पंचायत की बात करें तो जिला पंचायत की जो स्थिति है वो यथा बनी हुई है। जो जिन इलाकों पर जो मतगणना की जा रही है वहाँ पर ये ही स्थिति बनी हुई है कि कहीं कहीं अभी मिला जुला असर दिखाई दे रहा है, कहीं भी अभी तस्वीर साफ होती दिखाई नहीं दे रही है, अभी मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम चिरेगांव ब्लॉक के बाहर खड़े हैं और जहाँ पर ये मतगणना स्थल है उसके बाहर खड़े हैं, और आप देखिए यहाँ पर कतार लगी हुई है, लोगों को अंदर जाने के लिए यहाँ पर कतार लगाई जा गई है और लोग अंदर जा रहे हैं। कतार आपको देखने को मिलेगी लेकिन कतार भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रही है, तो प्रशासन सुस्त बना हुआ है। हालांकि थोड़ी देर पहले सैनिटाइजेशन का कार्य यहां पे किया गया है, लेकिन ऐसे सैनिटाइजेशन का क्या फ़ायदा जब आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे। और अंदर जाकर कई लोग तो बिना मास्क के घूमते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ऐसी भी गलतियां दिखाई दे रही हैं। तो प्रशासन को जगना होगा, आम जनता को जगना होगा, क्योंकि अगर बिना काम के आप यहां पर आ रहे हैं तो आप पर कोरोना का खतरा बढ़ जा रहा है। तो जहां भी रहें वहां पर आप एबीपी गंगा देखें, आपको हर अपडेट मिलेंगे, समय पे मिलेंगे, सटीक मिलेंगे। लेकिन यहां पर आकर जिस तरह से अव्यवस्था सामने दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कोरोना के खतरे को जरूर बढ़ाएगी। ये अनुमान नहीं है अवधेश जी, ये कहीं ना कहीं कहें तो ये सत्य साबित होगा। जिस तरह से यहाँ पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, जिस तरह से लोग कोरोना की गाइडलाइन बिल्कुल तो लोगों को गाइडलाइन का पालन करना होगा। अब देखिए यहाँ पर जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, और इस वक्त एक बड़ा अपडेट प्रयागराज से है, पंचायत चुनाव की मतगणना पर बड़ा अपडेट। 122 गांव के प्रधान निर्वाचित घोषित हो गए हैं, तो 122 गांव में अब ये तय हो गया है कि कौन प्रधान रहेगा। 72 ग्राम पंचायत सदस्य और 88 बीडीसी सदस्य निर्वाचित घोषित हो गए हैं, तो ये एक बड़ा अपडेट है प्रयागराज से, जहां पर 122 गांव के ग्राम प्रधानों की किस्मत तय हो गई है। उनकी मतगणना पूरी होने के बाद ये तय हो गया है कि आखिर कौन प्रधान होगा। 122 गांव में प्रधान तय हो गए हैं, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रंजीव जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। रंजीव सर, लगातार जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं, अगर हम ग्राम पंचायतों की बात करें, पंचों की बात करें, तो उनके रुझान परिणाम में बदलने भी शुरू हो गए हैं, लेकिन 235 अगर हम सीटों की बात करें उसमें 113 पर भाजपा आगे चल रही है, लगभग आधे का अंतर है, सपा 55 पर है। ये जो रुझान आ रहे हैं क्या इन पर हम अभी टिके या फिर इंतजार किया जाए और देर रात तक का, उसके बाद कुछ कहना सही होगा कि ये जो रुझान है ये टैली जो है क्या कहती है? देखिए, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इंतजार करना चाहिए। अभी बहुत बहुत बड़ी संख्या में सीटें ऐसी हैं जो बची हुई हैं। अभी हम लोगों ने बमुश्किल 250 सीटों का ही सफ़र तय किया है, और ये सीटों की संख्या हजारों में है, तो मुझे लगता है कि किसी अंतिम निष्कर्ष तक पहुँचने के पहले थोड़ा इंतज़ार करना ज़्यादा बेहतर है। और नतीजे तो देखिए अपनी जगह है, और ये पंच परमेश्वर कहते हैं हम लोग, ये शासन की सबसे शुरुआती इकाई है जिसका बड़ा महत्व रहता है गांव देहात में। लेकिन जो एक अभी आपके साथी रिपोर्टर कह भी रहे थे कि इसका बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कहीं जीत के उत्साह में कहीं हमारी राजनीतिक फतह हो जाए, इस उत्साह में कोविड का प्रकोप न बढ़े। ये मुझे लगता है कि आप सब लोग भी इसको लेकर बहुत चिंतित हैं। मुझे लगता है कि जो राजनीतिक दल है उनको भी इस चिंता में शामिल होना चाहिए जी, और कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे ये बीमारी और फैले, क्योंकि इसके क्या नतीजे हो रहे हैं वो सबके सामने है, उसको लेकर कोई अलग से बात करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक इसके राजनीतिक मायने हैं, मुझे लगता है अगर शुरुआती अगर 250 सीटों का जो भी रुझान दिख रहा है वो उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक हकीकत है उसको ही कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित कर रहा है। हालांकि ये बहुत जल्दबाजी में कुछ बार बार कहूँगा इसको, भारतीय जनता पार्टी सत्ता की पार्टी है, पंचायत के चुनाव में आमतौर पर ये माना जाता रहा है, देखा जाता रहा है कि जो सत्ता की पार्टी है उसका प्रभाव बढ़ता है। लेकिन अगर आप राजनीति के पैमाने पर देखें तो निश्चित रूप से उसकी जो चैलेंजर पार्टी है वो समाजवादी पार्टी, इसमें भी दिखाई दे रही है जी। जो एक महत्वपूर्ण चीज़ जो दिखाई दे रही है, अगर आप बसपा के प्रदर्शन को देखें तो बसपा का प्रदर्शन अभी इस समय जो आपके आंकड़े दिखा रहे हैं वो कांग्रेस से भी खराब है, यानी बसपा संभवतः उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है जितना उन्होंने उम्मीद की होगी।
लेकिन मैं फिर भी इसमें राइडर रखूंगा जी। ये जल्दबाजी है, हम लोगों को कम से कम कल तक का इंतजार करना बिल्कुल अंजीव जी जल्दबाजी है कुछ भी कहना, क्योंकि अभी तो सिर्फ रुझान सामने आ रहे हैं और 265 वार्ड पर ही, माफ कीजिएगा 235 वार्ड पर ही अभी तक रुझान सामने आए हैं। और जैसा कि आप कह रहे थे कि यहाँ पर चिंता की बात यह है कि लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि उन्हें बाहर नहीं निकलना है, और बाहर वो ना निकले इसकी कोशिश एबीपी गंगा ने की है, इसीलिए अभूतपूर्व कवरेज एबीपी गंगा कर रहा है। हर एक जरूरी जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी ग्राम पंचायत, उनकी जिला पंचायत से जुड़ी हुई हर एक जानकारी सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय हम दिखा रहे हैं, ताकि वो लोग घर में रहें और घर में बैठकर ही अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी हासिल कर पाए। बिल्कुल, तो क्या नतीजे आएंगे, क्या रुझान होगा, लगातार निगाहें बनी हुई है। हमारे सारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रयागराज का रुख कर लेते हैं, मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोइन, अगर हम बात करें ग्राम प्रधानों की, पंचों की या बीडीसी सदस्यों की, एक बड़ी संख्या है जिनकी किस्मत तय हो गई है। जी बिल्कुल अवधेश, आपको बता दें कि प्रयागराज में जो उम्मीदवार थे वो 26,000 से ज्यादा थे, और यही वजह है कि यहाँ पर जो मतगणना है उसमें काफी देरी हो रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में उम्मीदवार हैं। वैसे अभी तक यानी रात 8 बजे तक यानी 12 घंटे के बाद जो आंकड़े हमारे पास हैं उसके मुताबिक यहाँ पर 122 ग्राम प्रधानों के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। इसके साथ साथ ग्राम पंचायत सदस्य के 72 और बीडीसी के 88 पदों का रिजल्ट घोषित किया जा चुका है। ज्यादातर सीटों पर हमें बेहद नजदीकी मुकाबला देखने को मिल रहा है, कहीं 2 वोट से, कहीं 10 वोट से, कहीं 20 वोट से हार जीत का फैसला हो रहा है। हालांकि कुछ एक उम्मीदवार ऐसे हैं जो एक तरफा जीत हासिल कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि जो उम्मीदवार जीत करके सामने आए हैं, ग्राम प्रधान के हों चाहे बीडीसी के हों, सीधे तौर पर तो पार्टियों ने उन्हें उम्मीदवार घोषित नहीं किया था, उन्हें समर्थन नहीं दिया था, लेकिन इनमें से ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के हैं सबसे ज्यादा, उसके बाद दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के लोग हैं, और निर्दलीय भी बड़ी संख्या में जीत करके आए हैं। तो अभी तक के जो नतीजे आए हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी का दबदबा दिख रहा है। सीधे तौर पर आधिकारिक तौर पर उम्मीदवार घोषित नहीं किए थे, लेकिन पार्टी से जुड़े हुए थे। आपसे भी जानना चाहेंगे कि कितना वक्त लगेगा, कब तक उम्मीद करें कि ये जो रुझान है जिला पंचायत की सीटों के, ये नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। देखिए प्रयागराज की अगर हम बात करें तो यहाँ जिला पंचायत की 84 सीटें हैं, और 84 सीटों में अभी तक किसी भी सीट से रुझान तक सामने नहीं आए हैं। और जो हमें जानकारी मिल रही है, जो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि कल सुबह से लेकर कल दोपहर तक ही वोटों की गिनती का काम पूरा हो पाएगा। ज्यादातर जो केंद्र है प्रयागराज में, सबसे ज्यादा 23 केंद्र बनाए गए हैं, तो 23 जो केंद्र है उनमें से ज्यादातर केंद्रों पर कल दोपहर तक काउंटिंग चलने की उम्मीद जताई जा रही है, और कल दोपहर के बाद ही जो है वो तस्वीर साफ हो पाएगी। उसके बाद जो सियासी पार्टियां हैं वो अपने अपने दावे करेंगी कि हमने कितनी सीटें जीती हैं, हमारे कितने उम्मीदवार जीते हैं, और सबसे ज्यादा डिपेंड उनको करेगा जो निर्दलीय उम्मीदवार होंगे, यानी पार्टियों ने जिन्हें अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित नहीं किया होगा, सबसे ज्यादा क्लेम उनको लेकर किया जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि पंचायत चुनाव बड़े दिलचस्प है, और आपने बताया कि टाई हो गया एक जगह, तो वो और दिलचस्पी बढ़ जाती है। जश्न की तस्वीरें बड़ी खास होती थी, कोरोना ने सब कुछ छीन लिया, जश्न भी छीन लिया, तो जो लोग जीत रहे उनके अंदर कसमकस दिख रही होगी थोड़ी कि जीत तो बड़ी मिली लेकिन न गुलाल उड़ पा रहे हैं न गाड़े बच पा रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि हर बार जब चुनाव होते थे, खासकर जो निचले लेवल का चुनाव होता है उसमें लोगों की प्रतिष्ठा ज्यादा दांव पर होती है, तो उनके जो समर्थक होते थे बैंड बाजे के साथ जो है ढोल नगाड़े के साथ अबीर गुलाल उड़ाते हुए फूल माला पहनाते हुए आते थे। हालांकि पहले भी विजय जुलूस निकालने पर पाबंदी होती थी, लेकिन इस बार देखने को ये मिल रहा है कि जो उम्मीदवार हो रहे हैं अंदर से निकल रहे हैं वो सादगी के साथ हाथ में प्रमाण पत्र लेकर अपने वाहनों पर बैठकर घरों के लिए रवाना हो जा रहे हैं। जो उनके परिवार के सदस्य हैं वो इच्छा दुक्का जो है वो माला लेकर के आते हैं, उससे ये पहचान हो पाती है। किस चीज का शोर है मोइन, क्या वहाँ पर किसी तरीके का कोई जश्न मनाया जा रहा है?
देखिए हमारे जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं, ये नैनी इलाके का एक काउंटिंग सेंटर है और जो पीछे जो है वो एक मैरिज हॉल है। मैरिज हॉल के बाहर वो आतिशबाजी की जा रही है, मैरिज हॉल के बाहर नहीं, मैरिज हॉल के अंदर ही आतिशबाजी की जा रही है। शादी का कोई समारोह है, शाम में ही ये फंक्शन शुरू हो गया था, लिमिटेड लोग इसमें बुलाए गए हैं, ओपन एरिया में फंक्शन हो रहा है तो वहां शायद अब शादी की रस्म जो है वो संपन्न हो गई है, इसी वजह से आतिशबाजी की जा रही है, खुशियां मनाई जा रही है। हालांकि पुलिस और जो मजिस्ट्रेट है वो वहां पर कई बार जा चुके हैं, लोगों को इस बात की ताकीद कर चुके हैं कि जो निर्धारित संख्या है, जितने की अनुमति मिली है, आप उतनी संख्या में ही जो है यहां पर मेहमान मौजूद रहेंगे, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये पूरी तस्वीर है और एक बार फिर से हमीरपुर का रुख करते हैं, क्योंकि हमीरपुर में निर्दलीय आगे चल रहे हैं। जिस तरीके से निर्दलीय आगे चल रहे हैं हमीरपुर में, तो ऐसे में तो राजनीतिक दलों को विकास सोचना होगा कि हालांकि सीधा टिकट किसी को नहीं है, फिर भी जो समर्थित भी हैं उनको सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जनता निर्दलीयों पर ज्यादा दांव लगाने की कोशिश कर रही है अभी तक के रुझानों की अगर हम बात करें तो। तो कहीं ना कहीं जो जो पार्टियां उनसे जो लगता है कि जो निचले तबके की जो जनता है, गांव की जनता है, वो कहीं ना कहीं नाराज है, क्योंकि यहां की अगर बात की जाए तो भाजपा के सांसद हैं वो कभी भी वीरपुर का रुख नहीं करते, आवाज है। तो विकास आपकी आवाज अभी नहीं आ रही, आपके पास फिर आएंगे। नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, जैसा कि आपने बताया कि छोटा भाई बड़े भाई को हरा रहा है, तमाम चीज़ें पंचायत चुनाव में देखने को मिलती हैं, अपने अपने रिश्तेदारों को कोई हरा रहा है, कोई घर वालों को हरा रहा है, फिलहाल क्या स्थितियां हैं और जो ग्राम प्रधानों की हम बात करें, पंचों की बात करें, उनके जो परिणाम है पूरे कब तक आ जाएंगे, क्या उम्मीद है? कल दोपहर के बाद तक परिणाम आएंगे। और आपको बता दूं अधीश जी, एक अपडेट की काशी विद्यापीठ ब्लॉक के केसरीपुर गांव का एक मामला सामने आया है, जहां पर विजयी प्रत्याशियों ने फूल माला पहनकर विजय जुलूस निकाला है। प्रशासन के जो नुमाइंदे खड़े थे और सामने फूल मालाएं पहनकर जो जुलूस निकाला गया है वो बड़ा सवाल है, न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। और विजयी प्रत्याशी इस कोविड प्रोटोकॉल में कहीं ना कहीं जिस तरह से फूल मालाएं पहन रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं और इसके साथ विजय जुलूस भी निकाल रहे हैं, ये बड़ा सवाल है और इस पर प्रशासनिक अमले को ध्यान देना चाहिए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। इसके साथ ही आपने पूछा कि किस तरह का यहाँ पर जो अनुमान है वो, तो अनुमान की स्थिति यह है कि लगातार जिस तरह से आप हमारे पीछे आवाज़ सुन रहे होंगे, लगातार अनाउंसमेंट जारी है, जो विजयी प्रत्याशी हैं उनके विजय की घोषणा की जा रही है और लगातार जो यहाँ की मतगणना है वो जारी है, ड्यूटी बदली जा रही है और उसको लगातार जारी है। लेकिन जो पंचायत चुनाव के जो फाइनल रिजल्ट हैं वो कल दोपहर के बाद जो तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ हो सकेगी कि जिला पंचायत पर किसने विजय हासिल की है और इसके साथ ही ग्राम प्रधान और बीडीसी सदस्यों में कौन विजय किसको और किस स्तर पर कौन सी विजय मिली है, ये सारी तस्वीर कल दोपहर के बाद तक साफ हो जाएगी। फिलहाल लगातार अपडेट जो है वो हम लोग दे रहे हैं और अपडेट ये है कि लोग कोविड की जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को सोचना होगा, लोगों को समझना होगा कि वो घरों में रहें। बिल्कुल नीतीश, और देखिए बहुत खतरनाक है क्योंकि लोगों को समझना होगा, अगर प्रशासनिक अमले की तरफ से तैयारी पूरी नहीं है तो एक नागरिक के तौर पर भी जिम्मेदारी निभानी होगी और ये समझना होगा कि हमें अपना ध्यान रखना है। रंजीव जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए आपने बहुत से ऐसे जो चुनाव है वो देखे होंगे, आपने पंचायत चुनाव भी देखे होंगे, क्या इतना मुश्किल है प्रशासनिक अमले के लिए, शासन प्रशासन के लिए व्यवस्थाओं को करना कि वो रोक नहीं पा रहे हैं लोगों को, सख्ती नहीं कर पा रहे हैं और जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं कि उल्लंघन किया जा रहा है कोविड प्रोटोकॉल का? देखिए प्रथम दृष्टया ये निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने किसी कोर्ट में भी यह मामला गया था और वहां उन्होंने ये लिखकर भी दिया था कि वो कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करवाएंगे जी। मुझे लगता है कि ये शुरुआती रूप से निश्चित रूप से कहीं लापरवाही राज्य निर्वाचन आयोग की है, क्योंकि अगर जो महामारी का जो प्रकोप है उस प्रकोप में मतगणना होनी है ये पहले से तय था, कोर्ट ने भी कहा था कि आप इसको सुनिश्चित करें, तो मुझे लगता है कि प्रशासन के स्तर पर ये बिल्कुल ही कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप जो जीते हुए प्रत्याशी हैं या जो मतगणना के लिए आए हुए हैं उनको आप अनुशासित करें। ये अभी जो साथी बता रहे थे कि कहीं पर जुलूस लेकर के, बड़ा जुलूस लेकर के चले गए, जबकि प्रयागराज के साथी ने बताया कि वहाँ अपेक्षाकृत अनुशासित हैं, अपनी गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हो सकता है कि प्रयागराज में प्रशासन ने
ये व्यवस्था मुकम्मल करवाने में सफलता प्राप्त की हो और जहाँ पर लोग जुलूस लेके निकले चले जा रहे हैं वहाँ प्रशासन के स्तर पर लापरवाही है। मैं बार बार इसलिए ये कह रहा हूँ कि आपके चैनल से ये अपील भी जा रही है बार बार कि राजनीतिक दल के लोगों को भी समझना पड़ेगा, प्रत्याशियों को भी समझना पड़ेगा कि ये बहुत ही संकट का काल है और एक छोटी सी चूक जीत का उत्साह कहीं किसी बड़े संकट में न तब्दील हो जाए। ये प्रशासन को तो देखना ही पड़ेगा, राजनीतिक दलों को भी ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो प्रदेश को किसी बड़े संकट में न डाल दे चुनाव के जीत के उत्साह में। ये अपील मुझे लगता है कि बार बार होनी चाहिए। अब इसके बाद भी अगर नहीं मानते हैं बिल्कुल, और रंजीत जी इसीलिए एबीपी गंगा ने ये प्रयास किया है कि लोग घर में बैठे उनको सभी जिला पंचायत सीटें जो हैं उसका अपडेट मिलेगा, जो ग्राम पंचायत है उनका अपडेट मिलेगा, क्षेत्र पंचायत का अपडेट मिलेगा, सारे अपडेट्स हम दे रहे हैं और लगातार हम अपील कर रहे हैं कि आपको सबसे तेज सबसे सटीक जानकारी मिलेगी। आप एबीपी गंगा के साथ बने रहिए, लेकिन अगर आप बाहर भी हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आपके लिए बेहद जरूरी है। उससे समझौता करेंगे तो फिर ये आप पर मुश्किल का सबब बन सकता है। प्रयागराज के एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, मोहम्मद मोइन हमारे साथ बने हुए हैं। मोइन, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लगातार परिणाम सामने आ रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं वो अनुशासित हैं, इन सब के बीच 122 ग्राम प्रधान जो हैं उसके अलावा भी लगभग कितने ऐसे हैं जिनकी परिणाम आने बाकी है, और जिस मतगणना केंद्र पर आप खड़े हैं वहां पर क्या नियमों का पालन हो पा रहा है? देखिए, सुबह के वक्त हमने देखा था कि सुबह के वक्त ज्यादा सख्ती थी मतगणना केंद्रों पर, उन्हीं लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा था जिनके पास कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट थी, और क्रमवार जो है वो प्रत्याशियों और उनके एजेंटों को अंदर जाने दिया जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे ये व्यवस्था भी नॉर्मल होती चली गई, और अब जिनकी बारी आ रही है उनसे सिर्फ दूर से कागज देखा जाता है और तमाम लोग बिना बेरोक टोक जो है वो अंदर चले जा रहे हैं। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उनके पास कोविड रिपोर्ट है या नहीं है, इसका बहुत सख्ती से रैंडमली जरूर चेक कर लिया जा रहा है, लेकिन हर एक के साथ चेकिंग नहीं की जा रही है। जबकि ड्यूटी बदल चुकी है, सुबह जो कर्मचारी जो पुलिस के लोग ड्यूटी पर थे अब वो बदल गए हैं, नए लोग आए हैं, तो कम से कम नए लोगों को नए उत्साह के साथ जोश के साथ काम करना चाहिए, कम से कम कुछ घंटे तो पूरी सक्रियता के साथ काम करना चाहिए था। अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो अंदर जो प्रयागराज के सेंटर्स हैं तो अंदर तो व्यवस्थाएं आमतौर पर ठीक मतलब संतोषजनक देखी जा सकती हैं, लेकिन जो बाहर की स्थिति है वो कतई संतोषजनक नहीं है। अभी भी सभी केंद्रों के बाहर सैकड़ों की संख्या में समर्थक जुटे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कतई पालन नहीं हो रहा है, ज्यादातर लोगों ने मास्क या तो नहीं लगा रखे या तो मास्क को नीचे कर रखा है, और समझा जा सकता है कि अगर इनमें से कोई एक दो लोग भी संक्रमित हुए तो लगातार एक दूसरे से सटकर खड़े होकर के वो कितने लोगों को संक्रमित कर देंगे। बिल्कुल, देखिए मोइन, लगातार एबीपी गंगा यही अपील कर रहा है कि समझिए स्थिति बहुत गंभीर है, और इसीलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको जानकारी दे सके आपके क्षेत्र की पूरी तरीके से। तो अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, वरना घर पे रहकर एबीपी गंगा के जरिए आप तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो 75 जिलों की पंचायतें हैं, 75 घंटों की हमारी मुहिम है, और वो इसलिए ताकि आप पंचायत चुनाव से अपडेट भी रहें और सुरक्षित भी रहें। इन सब के बीच अपडेट आ रहा है गाजियाबाद से, एक बड़ा अपडेट है मतगणना को लेकर, जिला पंचायत की जो मतगणना हो रही है उसको लेकर अपडेट ये है कि गाजियाबाद जिला पंचायत के 14 वार्ड के रुझान सामने आ गए हैं। तो गाजियाबाद में भी 14 वार्ड के रुझान सामने आ गए हैं, और यहाँ पर 6 वार्ड में RLD आगे है, तो ये एक नई बात सामने आई है। राष्ट्रीय लोकदल और जिला पंचायत के 3-3 वार्ड पर भाजपा और सपा आगे हैं, तो ये एक नई तस्वीर निकल कर सामने आ रही है। शक्ति हमारे साथ जुड़ गए हैं, शक्ति क्या रुझान कह रहे हैं और किस तरीके से पूरी मतगणना आगे बढ़ रही है? तो देखिए, अगर रुझानों की बात की जाए तो शुरू के जो रुझान है उसमें 6 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल और 3 सीटों पर इसमें भाजपा और 1 सीट पर बसपा, 1 पर सपा और 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे हैं। वहीं अगर बात की जाए भाजपा की तो भाजपा ने 3 अपने कैंडिडेट इसमें उतारे नहीं है, जिनका भविष्य ये तय किया जाएगा कि जीतने के बाद ही उन्हें भाजपा में शामिल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिन सीटों पर नहीं उतारा है उन सीटों पर एक असमंजस की स्थिति थी, तो जिसके बाद भाजपा ने वहां पर किसी को भी समर्थन नहीं दिया। जिस तरीके से इस समय अगर बात की जाए सीटों की, जिला पंचायत सदस्यों की, तो वहां पर जो राष्ट्रीय लोकदल है
वह अपनी बढ़त हासिल करते हुए नजर आ रही है। हालांकि अभी के रुझान है और कल तक ये जो काउंटिंग है वह चलने वाली है, उसके बाद ही स्पष्ट नतीजे पता चल पाएंगे कि कौन आगे और कौन पीछे। लेकिन अगर शुरू के रुझानों की बात की जाए तो राष्ट्रीय लोकदल, वह लोकदल जिसका जिसका एक भी गाजियाबाद में विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है, कोई मेयर नहीं है, कोई बिल्कुल, ये वाकई में रोचक है कि यहाँ पर छह सीटों पर छह वार्डों में आरएलडी आगे चल रही है। शुक्रिया शक्ति तमाम अपडेट्स देने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश बने हुए हैं और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार रंजीव जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। रंजीव जी, देखिए जो गाजियाबाद से इस वक्त रुझान सामने आ रहे हैं वो बहुत रोचक है, क्योंकि आरएलडी जो पूरी तरीके से वर्चस्व खो चुकी थी वो कहीं ना कहीं गाजियाबाद में जीवित होती हुई नजर आ रही है। क्या समझे इसे, किसान आंदोलन का आफ्टर इफेक्ट समझे? निश्चित रूप से ये किसान आंदोलन का ही आफ्टर इफेक्ट है और मुझे लगता है कि पश्चिम के कुछ और जिलों में भी अगर किसी तरीके का ट्रेंड हम लोगों को या अंततः नतीजे देखने को मिले तो बहुत हैरानी नहीं होगी। आपको ध्यान होगा कि किसान आंदोलन की शुरुआत के बाद से ही, जब से राकेश टिकैत का प्रकरण हुआ, राष्ट्रीय लोकदल जमीन पर उतरी और उन्होंने किसानों के बीच काम करना शुरू किया और इसने एक तरीके से उनको पुनर्जीवन दे दिया है राष्ट्रीय लोकदल को। मथुरा में आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का एक साझा रैली भी हुई, उसमें भी भारी भीड़ जुटी थी जी। पश्चिम के कई पंचायतों में, कई ब्लॉक्स में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल सीटों को बांट करके पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि पश्चिम में ये जो एक गठबंधन बना है सपा और राष्ट्रीय लोकदल का, ये उसी का नतीजा दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि अंतिम नतीजों में भी ये पश्चिम के कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी को शायद परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पंचायत चुनाव में अंतिम नतीजों में रुझान अगर बदलते हैं तो क्या ये मान सकते हैं कि ये मुश्किल विधानसभा चुनाव तक पीछा कर सकती है अगले साल? हाँ, देखिए ऐसा है कि ये जो चुनाव, हालांकि ये छोटे चुनाव हैं लेकिन इनके संदेश बहुत बड़े बड़े निकलते हैं। अब जैसे समझिए, अब गाजियाबाद शहरी किस्म की सीट है, कोई ऐसा भी नहीं है, बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो शहरी है वहाँ पर, लेकिन पंचायतों के स्तर पर अगर आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी अगर अभी आज के समय में 3 सीटों पर है और राष्ट्रीय लोकदल दुगुने 6 पर आगे है, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि ये ट्रेंड, और विधानसभा का चुनाव कोई बहुत दूर नहीं है उत्तर प्रदेश में, बमुश्किल 7-8 महीने ही दूर है क्योंकि हम मई के महीने में आ चुके हैं और मार्च के महीने में चुनाव होना है। मुझे लगता है कि किसान आंदोलन को लेकर के जो खासतौर से जाटों में नाराजगी उपजी है जी, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़े। इसके संकेत पंचायत चुनाव में शायद दिखाई दे रहे हैं। अब आने वाले महीनों में इसको कहां तक डैमेज कंट्रोल भाजपा कर पाएगी, ये तो एक उनके स्तर की बात है जी। लेकिन जो अभी पंचायत के नतीजे दिखाई दे रहे हैं वो यही कहते हैं। बिल्कुल रंजीव जी, इसलिए देखिए लिटमस टेस्ट से कहा जा रहा था कि जहां पर चूक हो रही है तमाम राजनीतिक पार्टी देखेंगी, क्योंकि अब 2022 जो है वो बहुत नजदीक है। बने रहिए आप सभी हमारे साथ, लगातार हम अपडेट दे रहे हैं और अब ओवरऑल अपडेट क्या है ये हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए 125 वार्ड पर भाजपा आगे है, 60 पर समाजवादी पार्टी आगे है, बसपा 10 पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस बसपा को पटकने देते हुए 19 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और अन्य जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो 37 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। 3050 वार्ड में से इन सीटों में से कुल 251 सीट के जो रुझान हैं वो सामने आ चुके हैं। देखिए अब ये रुझान है, नतीजे आने में कल सुबह तक का वक्त या कल दोपहर तक का वक्त लग सकता है। बिल्कुल, और अगर इन तस्वीरों को आप देखें, आंकड़ों को देखें तो पहले नंबर पर फिलहाल रुझानों में बीजेपी है, दूसरे नंबर पर रुझानों में समाजवादी पार्टी है, तीसरे नंबर पर रुझानों में निर्दलीय हैं, चौथे पर कांग्रेस और पांचवे पर बीएसपी। तो बीएसपी के लिए चिंताजनक स्थिति है और कांग्रेस जो है वो ये मान सकती है अब कि प्रियंका गांधी ने जो जमीन पर उतर कर मेहनत की वो मेहनत रंग ला रही है। लेकिन हाँ, रुझान है ये, अभी ये फाइनल परिणाम नहीं है, रुझान आगे हो सकते हैं, पीछे से हो सकते हैं, पीछे हो सकते हैं। तो लगातार हम आपको ओवरऑल अपडेट भी दे रहे हैं और ग्राउंड पर किस तरीके के हालात बन रहे हैं वो भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश, आप अब जरा बताइए क्या कुछ तब्दीली वहां पर हो रही है और क्या कोई सख्ती की गई है वहां पर मौजूद सुरक्षा बलों की तरफ से, ताकि जो तस्वीरें आपने दिखाई थी वो तस्वीरें रिपीट ना हो। जी, हमारे पीछे हम आपको तस्वीरें फिर एक बार दिखा देते हैं। आप देखिए यहाँ पर सख्ती की गई है, जो लोग यहाँ पर भीड़ लगाकर पहुँचे हुए थे उन लोगों को साफ तौर पर ये कह दिया गया है कि आप यहाँ से दूर हटें, और वो लोग, लेकिन आप देखिए मतगणना स्थल से थोड़ी ही दूरी पर ये लोग खड़े नजर आएंगे आपको, वो भीड़ देखिए,
चारों तरफ आपको यहाँ पूरे रास्ते भर लोग भरे पड़े हैं और पुलिसकर्मी इस मतगणना स्थल को पूरी तरह से अभी साफ कराने में कामयाब हुए हैं लोगों की भीड़ से। लेकिन जो भीड़ है आप देखिए, अब वहाँ पर भी पुलिसकर्मी, जैसे ही कैमरा चला पुलिसकर्मी फिर से सक्रिय हुए और लोगों को खदेड़ना शुरू किया। लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी, जी आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होती है, चूँकि जो महामारी है वो आम जनता की भी जिम्मेदारी है कि उससे निपटना है। और ऐसी स्थिति में जब मतगणना हो रही होगी और प्रशासनिक नुमाइंदे यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहे होंगे और आप लोग आकर यहाँ भीड़ लगाएंगे, यहाँ अव्यवस्था पैदा करेंगे, तो खाकी कितना आप मैनेज करेगी, किस तरह से मेंटेन करेगी? हालांकि व्यवस्था का जिम्मा उन पर है और ये जिम्मेदारी भी उनकी है कि वो कैसे मैनेज करें, लेकिन आम जनता की भी जिम्मेदारी होती है और आम जनता को ये जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, तभी इस तरह की महामारी से कहीं ना कहीं मुक्ति पाई जा सकेगी। लेकिन आज की जो मतगणना है, वाराणसी के जो 8 ब्लॉक हैं वहाँ पर आज की मतगणना में कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता दिखाई नहीं दिया। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने में गुरेज नहीं करते रहे, कहीं ना कहीं नज़दीकी बनाए रहे। ऐसी स्थिति में कोरोना का खतरा बढ़ने की उम्मीद है। उम्मीद इस तरह की है, बिल्कुल आगे आने वाले सभी को है, लेकिन अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी सबको निभानी होगी। मोइन भी लगातार बने हुए हैं। मोइन, एक सवाल ये भी है कि तमाम इलेक्शन आपने कवर किए होंगे, तमाम ऐसे रैलियां कवर की होंगी, लेकिन वो दौर कुछ और था और ये दौर कुछ और है। कोरोना का काल है, खतरा सबके लिए है, जो प्रत्याशी हैं उनके लिए भी, मतदान कर्मियों के लिए भी, पुलिस कर्मियों के लिए भी, पत्रकारों के लिए, आपके लिए, सबके लिए खतरा है। ऐसे में कितना अलग ये चुनाव लग रहा है और क्या जो लोग उत्साह में भीड़ बनाकर एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं उनसे कुछ बातचीत हुई कि क्या उनको कोरोना का डर नहीं लगता, उनको इन हालातों से डर नहीं लगता? देखिए, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो आज काउंटिंग हो रही है या जो पूरा चुनाव हुआ है बहुत विपरीत हालात में हो रहा है, अलग परिस्थितियों में हो रहा है। बहरहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना की महामारी को गंभीरता से समझ रहे हैं, उसके नियमों का पालन कर रहे हैं, और जो कर्मचारी हैं वो तो पालन कर रहे हैं, लेकिन जो तमाम उम्मीदवार हैं और उम्मीदवारों की अलग हम बात करें तो जो उनके समर्थक हैं वो शायद ज़्यादा उत्साह में हैं, ज़्यादा जोश में हैं, और जो कोरोना की विभीषिका है उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि जो मतगणना केंद्र है उसके अंदर की व्यवस्थाएं तो ठीक हैं, लेकिन बाहर की जो तस्वीरें हैं वो अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। अभी भी बहुत बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के समर्थक डटे हुए हैं, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग भूले हुए हैं। तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क भी नहीं पहना है, तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क तो पहना है लेकिन वो उसको नीचे कर रखा है। इस बीच आपको बता दें कि प्रयागराज जोन के जो 8 जिले हैं उनका एक अपडेट हमारे पास सामने आया है और अब तक यहाँ पर कुल जो है ग्राम सभाओं की संख्या है 5421 है और इनमें से 780 के नतीजे जो है वो घोषित कर दिए गए हैं, यानी तकरीबन 17-18% जो है जो ग्राम प्रधान के सीटें हैं उनके नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इन 8 जिलों में चित्रकूट है, महोबा है, हमीरपुर है, बांदा है, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। और अभी अभी एक और जानकारी मिली है कि विजय जुलूस निकालने पर पाबंदी है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो जुलूस निकालने से बाज नहीं आ रहे हैं, अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और एडीजी जोन जो प्रेम प्रकाश है वो प्रतापगढ़ में कैंप कर रहे हैं और वहां उन्होंने जुलूस निकालते हुए ग्राम प्रधान के एक निर्वाचित उम्मीदवार को गिरफ्तार कराया है। ये तस्वीर उन्होंने साफ तौर पर भेजी हुई है, ये तस्वीर हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। और ये एक चेतावनी भी है कि अगर आप जो है जीतने के बाद जुलूस निकालते हैं या सड़कों पर हुड़दंग करेंगे तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, गिरफ्तारी की जाएगी। ये एक तरीके का साफ जो है अल्टीमेटम पुलिस की तरफ से देने का प्रयास किया गया। बिल्कुल, प्रत्याशियों को समझना होगा कि आप चुनाव जीतते ही अगर हिरासत में चले जाएं तो फिर जश्न फीका हो जाएगा और शर्मिंदगी के साथ गाँव में लौटने से अच्छा है कि चुपचाप गाँव पहुंच जाएं, आपस में मिठाइयां बांट लें। तो ये स्थितियां हैं। तो वाराणसी में नीतीश, वहां पर भी जुलूस निकल गया, प्रयागराज में भी जुलूस निकल, प्रयागराज जोन में जुलूस निकल गया। ये जुलूस तो व्यवस्थाओं का निकल रहा है नीतीश, ये जुलूस उन आदेशों का निकल रहा है जिनका पालन 4 चरण के मतदान में भी नहीं हुआ और मतगणना में भी नहीं हो पा रहा है।
नीतीश जब वो जीत हासिल कर लेता है, उसके समर्थक जीत हासिल करने के बाद खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं, ये बड़ा सवाल है। जिस तरह से अगर बात करें, जिस तरह से यहाँ पे मतदान हुआ, मतदान में कोविड गाइडलाइन का कहीं ना कहीं उल्लंघन होता हुआ दिखाई दिया। हमने भी सवाल उठाए, एबीपी गंगा ने भी सवाल उठाए, और उसके बाद आज मतगणना हुई है और आज इस तरह से कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है, और उसके बाद प्रशासनिक इंतजाम भी किए जा रहे हैं। अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले प्रशासन सख्त हुआ, लोग आगे बढ़ रहे थे और उनको खदेड़ा गया। उस खदेड़ने में कहा जाएगा कि प्रशासन ने हल्का बल प्रयोग किया, लेकिन इसके बाद ही आपको बता दें कि लोग मानने को तैयार नहीं है और भीड़ जाती है और फिर भीड़ चली जाती है। तो ऐसे में आम जनता का दोष हमें साफ तौर पे लगता है, आम जनता, क्योंकि शरीर आपका है, बीमारी अगर आपको लगेगी तो परेशान आप होंगे, आपको समझना होगा। प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है और प्रशासन के जो बात करें खाकी के जो नुमाइंदे हैं, वो लगातार भीड़ को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, मैसेज दे चुके, आपको खदेड़ चुके, और इतने के बाद भी अगर आप नहीं मान रहे हैं तो आप बीमारी को, गंभीर बीमारी को दावत दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल समझना होगा कि एक तरफ आप पर प्रशासनिक हमले का डंडा चल सकता है, तो दूसरी तरफ आपकी सेहत के साथ भी आप कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसीलिए लगातार एबीपी गंगा आप सभी से अपील कर रहा है कि आप घर पर रहिए, घर पर रहकर एबीपी गंगा देखिए, क्योंकि हम हर एक जानकारी सबसे सटीक और सबसे तेज आप तक पहुंचा रहे हैं। और अगर आप बाहर निकले भी हैं, आप घर से बाहर भी हैं, तो ये अपील है हमारी आप सभी से कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। रंजीव जी, देखिए यही सवाल मेरा आपसे, और मैं आपसे समझना यही चाहूंगी कि किस तरीके की भावना है कि लोग भी जान रहे हैं कि हालात बहुत खराब हैं, महामारी अपने चरम पर पहुंच चुकी है, बाहर निकलेंगे, भीड़ इकट्ठा करेंगे तो संक्रमित होने की संभावना ज्यादा है, उसके बावजूद लोग नहीं समझ रहे हैं, उसके बावजूद लोग मान नहीं रहे। देखिए, अभी बात हो रही थी ना कि ये जो जुलूस है, ये नियम कानून जो ताक पर रखने का जुलूस है, एक बात ये भी समझ ले जो सारे लोग इस तरीके से कर रहे हैं, ये जितने जुलूस निकल रहे हैं, ये जुलूस दरअसल कोरोना को गांव-गांव में फैलाने का गाजे बाजे के साथ मुकम्मल जुलूस भी है, इसको समझने की जरूरत है। और दुर्भाग्य, आप देख लीजिए, कल तक जो प्रत्याशी थे उनमें से कोई एक व्यक्ति जीत गया, तो अब जीतने के बाद वो प्रत्याशी नहीं है, वो जनप्रतिनिधि हो गए हैं। आप जनप्रतिनिधि से तो जिम्मेदारी के आचरण की उम्मीद तो कर सकते हैं ना, लेकिन अगर जो जनप्रतिनिधि चुन लिया गया है वही नियमों को तोड़ करके जुलूस निकालने लगे, ये मानसिकता मेरे ख्याल से, मेरी समझ से परे है कि जो उत्तर प्रदेश में हालात हैं, रोज हम लोग देख रहे हैं कि लोग एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ अगर आप एक जीत के लिए जुलूस निकालने पर आमादा हैं और हजारों लोगों की को संकट में डाल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो एक साथी बता रहे थे कहीं पर किसी सज्जन की गिरफ्तारी हुई है, ये सख्ती का संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में देना पड़ेगा आपको, नहीं तो कल को जीतने वाले तो जीत जाएंगे, जीत का सर्टिफिकेट ले लेंगे, जुलूस में निकाल लेंगे, लेकिन संकट में अंततः जनता फंसेगी। मुझे लगता है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जो जीत रहे हैं या मतगणना में आए हैं, उनको खुद को बिल्कुल अनुशासित करना पड़ेगा। अगर आप अनुशासित नहीं करेंगे, इस संकट को किस हद तक बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये इसका अंदाज़ा मुझे लगता है कि नहीं है। मुझे लगता है अभी भी वक्त है, अभी लंबा वक्त लगता है पंचायत चुनावों की गणना में, तो अभी से लेकर के आप लोग बार बार ये अपील भी कर रहे हैं, मुझे लगता है अभी से लेकर के कल तक, परसों तक, जब तक ये प्रक्रिया चले, थोड़ा कृपा करके अनुशासित हो, हम लोग हाथ जोड़ के ये अनुरोध ही कर सकते हैं कि बहुत बड़े संकट में पूरी मानवता है, उसको कृपा करके ना बढ़ाएं, थोड़ा सा जिम्मेदारी का पालन करें और एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का जो दायित्व होता है उसका पालन करें। बिल्कुल, उसका पालन करें और जीत के बाद कम से कम ये एहसास कर लें कि आप जनप्रतिनिधि हो चुके हैं, क्योंकि अगर वो एहसास नहीं होगा तो फिर हुड़दंग मचेगी। का तो लगातार देख रहे हैं आप ये बड़ी और महा कवरेज, जिसमें हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं, साथ ही साथ ये भी आप सभी से अपील कर रहे हैं कि आप अपने घर पर रहिए, आपको अपने क्षेत्र की जानकारी अगर हासिल करनी है तो आप एबीपी गंगा देखिए, क्योंकि हम इसी मंशा के साथ अपनी खास कवरेज या अभूतपूर्व कवरेज लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको पल पल की अपडेट बता रहे हैं। और जो अब टैली है, देखिए वो किस तरीके से बदल रही है, वो भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। भाजपा 130 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि समाजवादी पार्टी 72 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यहां पर बसपा का जो प्रदर्शन है वो अभी तक निराशाजनक नजर आ रहा है, 13 सीटें कुल बसपा के खाते में जा रही हैं। कांग्रेस देखिए 20 वार्ड पर बढ़त बनाए हुए है, ये अपने आप में बड़ी बात है, और जो अन्य है वो 47 पर बढ़त बनाए हुए है। बिल्कुल, तो लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं और किस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ बने हुए हैं। मोइन, अगर हम बात करें पूरे प्रयागराज मंडल की, तो किस तरीके का अपडेट है, किस तरीके का रुझान है? देखिए,
देखिए अवधेश, आपको प्रयागराज जोन का हम आंकड़ा देते हैं कि यहाँ पर अब जितनी ग्राम सभाएं हैं उनमें से तकरीबन 17 से 18 फीसदी के नतीजे आ चुके हैं, यानी 12 घंटे के बाद। अब जो नतीजे आने का सिलसिला होगा वो तेजी से बढ़ता जाएगा और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो ग्राम प्रधान या बीडीसी के वो है वो आधी रात तक जो है वो नतीजे आ जाएंगे। सबसे ज्यादा जो पेंच फंसेगा वो जिला पंचायत की सीटों पर फंसेगा जो है, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि कल दोपहर तक ही मतगणना पूरी हो पाएगी। तो जो कर्मचारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो उनके एजेंट हैं, सब में उत्साह है। खासकर जो उम्मीदवार और उनके एजेंट हैं उनमें अभी भी जबरदस्त उत्साह है, और जो समर्थक हैं वो अभी भी लगातार डटे हुए हैं। हालांकि जिन क्षेत्रों के नतीजे सामने आ चुके हैं कोई जीत की खुशियों के साथ वापस रवाना हो गया तो कोई मायूसी के साथ, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में, अभी भी तकरीबन 80% से ज्यादा नतीजे औपचारिक तौर पर आने बाकी हैं। तो जो समर्थक हैं वो अभी भी मतदान के मतगणना केंद्रों के बाहर डटे हुए हैं, अब विजय यानी रिजल्ट का जो है वो इंतजार कर रहे हैं। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कई बार जो है वो कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती दिखाई देती हैं। अब से हमने कुछ देर पहले आपको बताया कि प्रतापगढ़ में किस तरह से विजय जुलूस निकाल रहे एक निर्वाचित प्रतिनिधि को एडीजी जोन ने खुद पकड़ा, उसे गिरफ्तार कराया। तो ये एक संदेश भी है कि जब आप निर्वाचित प्रतिनिधि होने के बाद खुद जो है वो धज्जियां उड़ा रहे हैं, आपको कोरोना की महामारी का एहसास नहीं है, तो आप किस तरह से दूसरे लोगों को समझाएंगे, कैसे लोगों पर को जो है कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराएंगे और क्या कुछ उनके बीच जाकर के कहेंगे। अब से कुछ देर पहले हमारे पास एक और वीडियो आया है, ये प्रयागराज का है, करछना इलाके का है। कुछ देर में हम एबीपी गंगा के दर्शकों को वो वीडियो भी दिखाएंगे। जो विजयी उम्मीदवार है वो फूल मालाओं से जो है लदा हुआ है, लोगों से गले मिल रहा है और कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग, ना किसी ने मास्क लगा रखा है, मतलब कोविड प्रोटोकॉल को मजाक बना करके रख दिया गया है। तो कुछ लोग अनुशासित हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना की महामारी को नहीं समझ रहे हैं, और ऐसे में हमारी सावधानी ही हमें बचा सकती है। लगातार एबीपी गंगा यही अपील करता है अपने दर्शकों से कि आप घर से बाहर मत निकलिए, और अगर निकल रहे हैं तो तमाम चीजों का ध्यान रखिए, मास्क जरूर लगाइए। मोइन, अभी आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो जिला पंचायत सीट है प्रयागराज जोन में, उनके पहले रुझान आने कब तक शुरू हो जाएंगे, कितना वक्त और लगेगा अभी? देखिए प्रयागराज की अगर हम बात करें तो यह जिला पंचायत की 84 सीटें हैं। सबसे ज्यादा दिलचस्पी जो है इन 84 सीटों के नतीजों या रुझान को लेकर के हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर ना तो किसी सीट का रिजल्ट आया है और ना ही कोई रुझान सामने आया है। चाहे वो सियासी पार्टियां हों, चाहे आम लोग हों, उनमें से सबसे ज्यादा दिलचस्पी इन्हीं 84 सीटों को लेकर के है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगले 2 से 3 घंटे के बाद रुझान आना शुरू हो जाएंगे, और जो जिला पंचायत की 84 सीटें हैं उनके अंतिम नतीजे कल दोपहर तक ही आएंगे। कल दोपहर के बाद ही तस्वीर साफ होगी। आज की रात बहुत भारी है उन उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने महीनों से मेहनत की थी और उनको उम्मीद है कि उनकी जो गांव की सरकार है वो बनेगी। तो आज रथ जगह है, लेकिन उम्मीद हमारी यही है, हमारी अपील आपसे यही है कि अपना ध्यान रखिए, एबीपी गंगा पर नजरें बनाए रखिए। आपको 75 घंटे की लगातार कवरेज मिलेगी, कोई अपडेट आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि कोरोना से बचे रहना भी जरूरी है। बिल्कुल, देखिए आप सुरक्षित रहें, इसलिए हम घर से बाहर हैं, आप घर के अंदर रहिए और अपना ध्यान रखिए। एबीपी गंगा देखते रहिए।